ये मेरा खुशी नहीं है, ये मेरी खुशी नहीं है, ये वो पीड़ा अंदर जो हम लोगों को सदियों से ठगा गया है। और अभी वर्तमान की जो सरकार है, जिस तरीके से गुंडागर्दी, दहशत, बेफालतू की और बेईमानी, करप्शन, पैसा ले लेकर लोगों की अपॉइंटमेंट करना, जो पढ़ा रहे उनकी थालियों से निवाले छीनना, ये वो दुख और ये पीड़ा है कि आज मुझे इस यूनिवर्सिटी से डिग्री करने के बाद ये करना पड़ रहा है। प्लीज मेरी डिग्री दिखाइएगा, मेरी सुनो सुनो इधर करो, मेरी डिग्री फ्रॉड नहीं है, मेरी डिग्री झूमने वाली नहीं है, मेरी डिग्री दिखाना पड़ेगा, डिग्री लगा के बैठ न्याय लेने के लिए इतनी कटौतियाँ, इतनी कठिनाइयाँ ये दे रहे हैं। मेरा धरना अब कर लिया रातों रात, मेरी तबीयत खराब हुई, डकैती कर ली, बाबा साहब की फोटो तक लगने नहीं दे रहे। उसके बाद 144 इस जगह क्या काम है, 144 का है यहाँ पे क्या काम है, धारा 144 का हमारे लोगों को डिटेन कर रहे हो, प्रदर्शन करने नहीं दे रहे। तो मेरे पास तो यही ऑप्शन बचा ना भाई, बताने का, ईमानदारी का, कि आपके लिए आप जुमला बोलोगे तो ऐसे निकल जाओगे गली से, हैं? पढ़ा लिखा युवक पकड़ लेगा आपको, अब कॉलर से पकड़ेगा और सवाल पूछेगा हर एक चीज का, मैं तो पूछूंगी इसलिए मैं बैठी हूँ। तो पीएचडी वाले पकड़ लेंगे क्या? यही ऑप्शन है, तो क्या करेंगे अगर पकौड़े नहीं तलेंगे, तो यही ऑप्शन है, अगर पकौड़े नहीं तलेंगे तो क्या करेंगे? लेकिन आपकी लड़ाई तो न्याय मिलेगा आपको कोर्ट से, तो भाई न्याय कोर्ट से मिलेगा, कोर्ट की लड़ाई कोर्ट में चलती है, जस्ट यहाँ पे तारीख पे तारीख मिलती है, सुना ना डायरेक्ट तारीख पे तारीख, तो कोर्ट अपना काम करेगा। हमें इतना पता है कि 20% न्याय कोर्ट से मिलेगा, 80% आपको सड़कों में लड़ना पड़ेगा, और हम लड़ रहे हैं। हमारा आप कोर्ट की बात मत किया करो, ठीक है, ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में अधिकार है मेरा प्रोटेस्ट करना, अधिकार है मेरा अपने लिए आवाज उठाना। और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट कहता ना कि आप अपने रोजगार के लिए आप अपने लिए काम कर सकते हो, ये चीजें तो मैं कर रही हूँ ना भाई, इसमें भी दिक्कत है। क्यों दिक्कत पता क्यों है? क्योंकि जुमला दिया ना पकौड़े बेचो, रोजगार है पढ़े लिखे कर लिया, पकौड़े बेच लिया। देखिए पकौड़े तले जा रहे हैं, करीब एक घंटा हो गया है, और ये जो पिछड़ा समाज है ना, दलित आदिवासी पिछड़ा समाज, ये उनके लिए एक लेसन है कि हमें क्या करना पड़ रहा है, हमारे लिए क्या ऑप्शन बचा है, तुम्हारे पकौड़े आ रहे हैं। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल है कि आपका धरना जब हटाया गया था तो यहाँ साफ सफाई की गई थी, झाड़ू मारी गई थी, साफ सफाई भैया शुद्धिकरण साफ सफाई, पकौड़े कौन खाएगा फिर ऐसे में? तो भैया यही तो चैलेंज है, जो अब आपको अपना प्रमाण दिखाना पड़ेगा, अब प्रधानमंत्री जी को दिखाना पड़ेगा कि कितने बड़े जातिवादी हैं। नहीं है तो आओ मेरे हाथ के पकौड़े खाओ, आओ बोला ना युवा रोजगार आपका पकौड़े, तो भैया को खा लो चाहिए। छुआछूत नहीं करेंगे क्या आपसे? जातिवाद है बता दें, रोजगार भी नहीं लगाने दिया जाएगा, मैं तुम्हें बताऊंगी, अगर रोजगार में भी लात मारोगे फिर तुम्हें बता दूंगी। घर में कितना ऐसा काम करती है आप? भैया माँ बाप ने सारा काम खुद किया, हमारे गरीब माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया, अपना सब कुछ बेच के हमें लगाया, यही होता है गरीब आदिवासी बच्चों के लिए। जितने हम पिछड़े समाज के मजदूर किसानों के बच्चे ना, वो जमीनें बेच बेच के अपना घर बार अपनी नौकरी मेहनत कर करके हमें पढ़ाते हैं कि हमारे बच्चे बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ करेंगे, मुझे ये करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें सिस्टम से धोखे से निकाला गया। भाई मानी हुई मेरे साथ करप्ट प्रिंसिपल को अंदर रखा है कुर्सी पे, वो अंदर है क्रिमिनल जिसके ऊपर चार्जशीट है। मैं तो यही करूंगी ना, जब आपने पूरी सत्ता से प्रोटेक्ट कर ली है तो मेरे लिए ऑप्शन क्या है? बहुत महंगा हुआ तेल बेसन सब चीज प्याज वगैरह, कैसे सफाई कर पाओ? भैया देखते हैं जितना महंगा हुआ जितना कर सकते हैं करेंगे भाई मेहनत। तो मोदी जी ने ठीक कहा था कि आत्मनिर्भर बनिए, आप देख लो बन गए आत्मनिर्भर। क्या आपसे पहले कोई पीएचडी करेगा आपके बाद में, जिससे आपको लड़ना पड़ रहा है? मैं तो कहती हूँ करो, लेकिन अपने हक अधिकार के लिए लड़ो, अपने लिए आवाज उठाओ, चुप नहीं रहना, आपको पीछे नहीं हटना अपने हक अधिकार के लिए, इसीलिए आपको लड़ना है। कैसे कटेगी जिंदगी? बस 2 मिनट में दे रहे हैं। क्या जिंदगी कट जाएगी पकौड़े तलने से आपकी इस तरह से सड़क पर? भैया क्या करें, जिंदगी ऐसे भी तो मर मर के कट रही है हमारी, ऐसे भी तो मर रहे हैं हम हर दिन पढ़ने के लिए, शिक्षा की नेशनल एजुकेशन एनईपी जैसी पॉलिसी। कल का क्या सीन है? कल पनीर के पकौड़े यही बचा ना, तो यही तू कर ले।